भारत की पेशकश फिल्म विलेज रॉकस्टार्स अगर ऑस्कर में जगह बना लेगी तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्मी दुनिया में भारत का डंका बजेगा। पर इस फिल्म की निर्माता रीमा दास खुद अपनी फिल्म के भविष्य को लेकर खासी चिंतित है। वजह है ऑस्कर के लिए प्रमोशन पर होने वाला खर्च। पाई पाई जोड़कर फिल्म का निर्माण करने वाली रीमा अब फिल्म के न्यूयॉर्क में होने वाले खर्च को लेकर उधेड़ बुन में लगी हुई है। पद्मावत, राजी, अक्टूबर जैसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के फिल्मों समेत कुल 27 फिल्मों को पीछे छोड़कर इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर रीमा दास की लो बजट मूवी विलेज रॉकस्टार्स को इंडियन जूरी ने ऑस्कर के लिए चुना। IFFI के जूरी के मुताबिक इसके लिए विदेश में मूवी का तगड़ा प्रमोशन करना होगा और उसके लिए जरूरत पड़ेगी कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपयों की। अब तक भारत समेत करीब 70 देशों ने ऑस्कर के लिए ऑफिशियल एंट्री भेजी है और अगले 1 अक्टूबर तक एंट्री भेजने का ये सिलसिला जारी रहेगा। इन तमाम फिल्मों में से फाइनल नॉमिनेशन के लिए कुछ ही मूवी आगे जाएगी। इसी के चलते इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 130 करोड़ लोगों की इस आबादी वाले देश की उम्मीद सिर्फ 2 से 3 करोड़ रुपयों के लिए थम जाएगी। न्यूज 18 असम नॉर्थ ईस्ट की न्यूज एडिटर तुलिका देवी के साथ हुई एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान रीमा ने अपनी चिंता जताई। इंडिया ने ऑफिशियल एंट्री के तौर पे विलेज रॉकस्टार को सिलेक्ट किया है और इस वक्त रीमा दास से मैं बात करना चाहूँगी और रीमा दास की जो अनुभव है वो बयां करेंगे। रीमा दास जी, बताइए कैसा लग रहा है इस वक्त और आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? ये एक्चुअली कैसा लग रहा है, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। जिस तरीके से हमने इस मूवी बनाया और एक साल जिस तरह से मूवी को हर बहुत अलग अलग लाइक फेस्टिवल हो और कंट्रीज़ और लोगों ने जिस तरह से सराहा, मतलब ऑस्कर में जा रहे हैं, ये बात तो जैसे मैं इस दिन के लिए ही इंतज़ार कर रही थी, कहीं ना कहीं प्रे कर रही थी, क्योंकि जब इस बात को आने लगी लाइक फ्रेंड्स हो, लाइक क्रिटिक्स हो, फिल्म लवर्स हो, तो वो कभी कभार मतलब जब भी हम मिलते हैं, बात करते हैं, तो हमेशा वो लोग बोलते हैं कि विलेज रॉक्स इस बार जा रही है इंडिया से, लाइक ऑस्कर के लिए सिलेक्ट हो रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और कहीं ना कहीं वो उम्मीद थी, लेकिन जब तक अनाउंसमेंट नहीं होती है तब तक आप कुछ बता नहीं सकते। और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि असम से ये पहली फिल्म है जा रही है, तो हम मेरे साथ साथ भी सारे लोग, इतने सारे लोग मुझे दे आर लाइक कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी एंड बहुत ही प्यार मुझे दे रहे हैं। तो हमारे लिए ये एक दिस इज़ अ न्यू बिगिनिंग, हमारे लिए एक नई शुरुआत है और हम चाहेंगे कि विलेज रॉकस्टार्स के साथ और आने वाले दिन में हमारे यहाँ से और बहुत अभी नए नए फिल्म मेकर फिल्म बना रहे हैं, तो उनकी फिल्म भी जाए, उन लोग भी सपना देखे, तो हमारे लिए बहुत खुशी की। असम से ऑस्कर के लिए चुनी जाने वाली विलेज रॉकस्टार्स पहली असमिया फिल्म है। असम के एक गांव की एक छोटी सी लड़की और उसके दोस्तों का एक रॉक बैंड बनाने का सपना और रियल लाइफ स्ट्रगल को लेकर निर्माण की गई है विलेज रॉकस्टार्स। करीब 150 दिन हैंडहेल्ड कैमरे से शूट करके इस मूवी की एडिटिंग भी रीमा दास ने खुद की है। रीमा दास के गांव के ही बच्चे ने मूवी में मूल किरदारों को निभाया है। कभी बॉलीवुड में प्रतिष्ठा पाने के लिए संघर्ष करने वाली रीमा दास आज असल मायनों में रॉक स्टार बन चुकी है। ट्रैक एंड फील्ड में देश की नई सेंसेशन असम की हिमा दास की कहानी भी बड़े पर्दे तक ले जाना चाहती है रीमा दास। रीमा का कहना है कि हर गली हर गांव में कहीं ना कहीं एक हिमा दास मिलेगी और उन्हें प्रेरणा देने के लिए ऐसी कहानियाँ वक्त पर सही ढंग से कहना जरूरी होता है।
हिमा दास की बायोपिक को लेके बहुत चर्चा है कि हिमा दास को बायोपिक अभी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इट्स टू अर्ली, और उनके ओलंपिक के पहले उनको उनके उनको बायोपिक या फिर किसी मूवी या फिर प्रमोशन के तहत उनको उनको बाधा नहीं देनी चाहिए। हमारे यहाँ असम में हमारे मीडिया के सामने आपने बताया था कि आप इंटरेस्टेड हो हिमा दास की कहानी बताने के लिए, तो उसको आप कैसे ले जाना चाहोगे और कैसे आपने सोचा हुआ है? हमारे यहाँ पे पॉजिटिव स्टोरी की ज़रूरत है, तो मैंने इसके लिए कहा था क्योंकि मुझे हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स एंड म्यूज़िक, तो उस वी आर वेरी रिच, तो म्यूज़िक में भी हो या स्पोर्ट्स भी, सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग, मैं यहाँ पे गांव में पली बड़ी हूँ और यहाँ पे मैंने देखा है कि स्पोर्ट्स को लेके बहुत ही ज़्यादा लाइक इंटरेस्ट है, लॉट्स ऑफ टैलेंट्स आर देयर, सो मुझे ऐसा लगा कि आई एम नॉट टेकिंग इट ओके दिस इज़ अ हिमादा स्टोरी बट वी नीड इंस्पायरिंग स्टोरीज, एंड इससे और कौन सी मतलब कहानी हो सकती है अभी, लाइक मैं ऐसा नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि हिमादा कभी जाके बहुत कुछ अचीव किया और उसके बाद रिटायर हो जाए उसके बाद मैं कुछ कहूँ, तो ये हिमा दास जस्ट उनका नाम है, लेकिन ये मुझे मालूम है, मैं जो यहाँ इस गांव से पली बड़ी हूँ यहाँ पे इतने सारे ऐसे बहुत हिमा दास है, यू नो हिमा दास का वो हौसला है उसमें, इसके लिए उन्होंने इतना अचीव किया, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी लेकिन उनके उनके भी हमने इंटरव्यू में सुना है कितना मुश्किल होता है वहाँ तक जाना, तो यहाँ पे बहुत सारे हैं सिर्फ लाइक ऐसा नहीं कि रनिंग और ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स है जो उन लोगों को वो लोग कहीं ना कहीं मतलब गायब हो जाते खो जाते, तो इसके लिए मैंने सोचा कि ये इसी समय हम इस तरह के कहानी बताए बोलो क्योंकि क्या देश विदेश में करीब 44 अवार्ड्स जीतने वाली मूवी विलेज रॉकस्टार्स ऑस्कर में भी अपना जादू चला पाएगी? इस सवाल का जवाब मिलने से पहले बहरहाल रीमा दास की मूवी को ऑस्कर फाइनल नॉमिनेशन तक का सफर तय करना होगा। आपको बता दें कि सन 1955 में मदर इंडिया, सन 1988 में सलाम बॉम्बे और साल 2001 में लगान के अलावा ऑस्कर के श्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में आज तक किसी भी भारतीय मूवी को नॉमिनेशन नहीं मिला है। ऑस्कर की इस कैटेगरी के दौर में विलेज रॉकस्टार्स भारत की चौथी मूवी है। कैमरा पर्सन विप्लव के साथ तुलिका देवी, न्यूज 18, असम नॉर्थ ईस्ट। रोक गए तमिल के तौर पर बनो ना।